बिग बॉस 14 के घर से बाहर आ चुकी हैं जैस्मीन भसीन। बीते वीकेंड का वार पर बिग बॉस 14 की सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट में से एक जैस्मीन भसीन घर से बेघर हो गई। घर से बाहर निकलने के बाद जैस्मीन भसीन ने घर में मौजूद सभी लोगों को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि जैस्मीन भसीन ने अपनी दोस्त रूबीना को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब मैं रूबीना दिलैक के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। जी हाँ दोस्तों, घर से बाहर निकलने के बाद जैस्मीन भसीन का रिएक्शन आया है रूबीना दिलैक को लेकर, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि रूबीना के साथ वो किसी भी तरह की दोस्ती रखने के मूड में अब बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि अपने एक इंटरव्यू के दौरान जैस्मीन भसीन ने कहा कि रूबीना दिलैक के साथ अब मैं दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ। रूबीना और मेरा एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था, लेकिन शो में आने के बाद ही सब बर्बाद हो गया। उसने हमेशा मेरी पीठ पीछे बातें की है, हालांकि मैंने जो कुछ भी बोला है उसके मुंह पर बोला है। उसका रवैया मेरी तरफ कभी भी ठीक नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम कभी दोस्त बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा बयान दिया है जैस्मीन भसीन ने रूबीना दिलैक के लिए, क्योंकि जिस तरीके से घर से बाहर आई है जैस्मीन भसीन, उसके बाद घर के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ बयान दिया है जैस्मीन ने। अब आपको बता दें कि रूबीना दिलैक जिस तरीके से जैस्मीन के बारे में पीठ पीछे बात करती चली आ रही थी, उसके बाद जैस्मीन भसीन का रिएक्शन आया है कि आगे फ्यूचर में वो रूबीना के साथ किसी भी तरह की दोस्ती नहीं रखेंगी। आपको बता दें कि जैस्मीन भसीन के घर से बाहर होते हुए कल बिग बॉस 14 के होस्ट सलमान खान भी काफी इमोशनल हो गए थे। कल के एपिसोड में सलमान खान की आंखें भी नम हो गई थी। आज के एपिसोड में सभी घर वालों के बीच हर हफ्ते की तरह इस बार भी नॉमिनेशन टास्क होता दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार का टास्क सलमान खान के सामने ही होगा। हालांकि इस वक्त घर से बेघर होने के लिए राहुल वैद्य और निक्की तंबोली जैसे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जैस्मीन ने बाहर आकर रूबीना को लेकर खुलासा किया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि जैस्मीन ने यह साफ कर दिया है कि रूबीना के साथ वो दोस्ती नहीं रखने वाली है।